जिंदगी एक नशा है, जी भर के घूमने का अलग ही मजा है। उम्मीद है खुद से रखिए, दूसरों पर निर्भर रहना बेवजह है। हमसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। ऐसे एंजॉय करते हुए हम मुंशहर की तरफ बढ़ी रहती थी, तो रास्ते में हमें एक मिली अम्मा। हमने कहा क्यों ना उनसे कुछ बात की जाए। अच्छा, नौकरी कर? नहीं, मेरी एक लड़का नौकरी मत कर। ये अम्मा दादी जी मुंशहरी से है। इनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच है। इस उम्र में ये बिल्कुल स्वस्थ है और मेहनत भरा काम करती है और खुश रहती है। अगर आप जीवन के संघर्ष को आदत बना डालो तो जिंदगी और बेहतर बन सकती है। हमें अपनों से बड़ों की बात सुननी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलत होने का अधिक अनुभव है। इतने सालों तक जीने से उन्हें दुनिया को लंबे समय तक देखने और लोगों को बेहतर ढंग से समझने का फायदा मिलता है। बस जाते समय अम्मा से एक रिक्वेस्ट किया कि एक फोटो हो जाए यादों के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट मुंशहरी पहुंच चुके हैं, यहाँ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से ऐसा फील हो रहा है मीन्स मतलब गजब की। अभी तक तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम लोग थोड़ा सा दुखी भी थे क्योंकि रोड अगर ख़राब होती है, फोर व्हीलर अगर आप चला रहे हो तो बहुत परेशानी होती है, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, और रोड ऐसी है और गाड़ी में फिर दिक्कत। लेकिन अभी जो यहाँ पर वेदर दिख रहा ना, इट्स ऑसम, आई फीलिंग सो पीसफुल, सो नाइस नाउ। आप देख सकते हैं, देखो आपको हिमालय दिख रहा होगा ऊपर, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं। वाओ, हम लोग बेसिकली नज़दीक से ही हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। हम लोगों ने मुंशहरी आने में बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा जगह है, हमको पहले आ जाना चाहिए था। और ये हमारे कुमाऊं में ही आता है, तो हम लोगों को ऐसी जगह जल्दी जाना चाहिए। रोड ख़राब है, बोलते ना टेढ़े मेढ़े जो रास्ते होते हैं वही अच्छी मंजिल तक पहुँचाते आप। जिंदगी में जब तक कोई ट्रैकिंग ना करो ना, मजा नहीं आता, साहस नहीं मिल पाता। फिर क्या है लाइफ में, इस ट्रैक के बाद वी विल सी व्हाट नेक्स्ट, अगला हमसे क्या पंचा चलिए। आई फाउंड समथिंग, ये लकड़ी नहीं, ये जो पीस है उत्तराखंड के जंगल साइड में जहाँ पे बांज के पेड़ होते हैं, जो बांज के पेड़ पे ही लगा हुआ है, इसको बोलते हैं झूला। इससे बहुत सारे मसाले बनते हैं और मेडिसिन में भी डालते हैं। अगर किसी को किसी किस्म का फूड बनाना है, इसको अगर डालोगे फूड पे बहुत टेस्टी हो जाता है, बिकॉज ये प्योर नेचुरल स्पाइसेस है। झूला, इसको बोलते झूला। ये मेरे दोस्त है ना राधे, वो इसका बिजनेस करता है, बहुत महंगा जाता है। नो पेन नो गेन, अभी तो बहुत पहाड़ चढ़ने हैं। बस इन भाई लोगों की तरह हम भी इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक ये शरीर सलामत है बस चलते जाओ, और कभी अपने आप को आजमाओ कि कहीं ये 30 साल की उम्र 60 की तो नहीं हो गई है। भाई अक्कू जल्दी आ, अक्को हंस क्यों रहा था तू? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसलिए। शर्म आती है ना? आ जा मेरे को। आ जा। ऊपर, हाँ
रहे हो? हाँ जल्दी आओ। भाई लोग तो कैसा लगा फिर ऊपर? मजा आ रहा। बहुत अच्छा है। ये बात आप जाएंगे अलग ही फील करेंगे। बहुत अच्छा फील करेंगे। बहुत अच्छा है। मतलब कैसा लग रहा है? बहुत टायर्ड, क्योंकि जो हमारे लोड है एटलीस्ट 10-12 केजी हमारे बैक है। इस वक्त हम पागल हो गए ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हमारे पास छोटे बैग होते तो हम आना जाना आज ही कर देते। बट हमारे पास जो बैग है, देखिए अभी हमारा भाई आ रहा है एक, उसके पास इतना सामान। लोग जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करते ना, इन द सेंस जैसे बंदा दिल्ली ले जाता है, उतना सामान उसके पास होता है और उतना ही सामान हमारे भाई के पास है। स्ट्रेंथ तो हमारी बिल्डअप हो रही है, जो ऐसे चल रहे उनके लिए तो आसान है, ये बहुत ईजी है, बंदा चल सकता है। बट अब बैक लोड गए तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे पास लोड बहुत है और दा ने जैसे कि ड्राइविंग भी की है नॉन स्टॉप। और ये चैलेंज है हमारे लिए। देखते हैं हम कितने ऊपर तक जाते हैं और हम बेस्ट जगह देख के अपना टेंट पुट अप करेंगे, जितना हो सके हम कवर अप अभी कर लेंगे बाकी। और अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले जब ग्रीन लाइट आती है, मैंने सुना है टॉप ये जो ऊपर मुकाबला सख्त है। चलो भैया चलो, देखो बर्फ की वजह से यहाँ पे पैर फिसल रहे हैं, अक्वाई फंस चुके हैं, क्योंकि शूज हमारे उसने स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, थोड़ा डिफिकल्टी होने वाली है। राहुल भाई जा रहे हैं बचाने के लिए, आराम से भाई। ये देखो तू रहने दे, वहाँ रखना पैर, आ जाएगा, आ जाएगा, पत्थर मत, वो मत पकड़, वहाँ रख पैर, वहाँ रख, उसमें रख, तू जा तो सही कह रहा हूँ, हो गया, लकड़ी मजबूत है। Oh my God. रात में कल मेरे को नींद नहीं आई उस टेंट में, तो मेरे को अच्छा प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला और जिसकी वजह से मेरी हालत खराब हो रही है। तो हमने कुछ अपने साथ लेके आए थे। अरे भाई मजाक कर रहा है क्या? खाली तो नहीं है? नहीं नहीं भरा हुआ है। और देखो लोकेश, ये है पंचाचुली। वन डे वहाँ भी सबमिट करना है मैंने, और देखो भोलेनाथ कहाँ तक ले जाते हैं। और उस दिन मुझे पता लग गया था कि एक दिन मैं बहुत कुछ करूंगा। अब देखो क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं खलिया टॉप। आप यकीन करो ना करो, वाह, वी आर एट द टॉप ऑफ द खलिया टॉप नाउ। फ्रॉम हियर आई'ल शो यू द व्यू। ये पंचाचुली पर्वत 5 पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। इसमें सबसे बड़े पर्वत की हाइट 6904 मीटर है और जहां पर हम हैं ये है 3500 की हाइट। कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग के लिए हिमालय को प्रस्थान करने लगे तो अंतिम बार अपना भोजन इसी पर्वत श्रृंखला में बनाया गया। 5 बिंदु पर 5 छोटे चूल्हे बनाने के कारण ही इन्हें पंचाचुली कहा गया। अब मैं जा रहा हूं ऊपर टॉप पे। एक्चुअली अंधेरा हो चुका है, ठंड भी काफ़ी यहाँ पे। हम लोग
टॉप पे इसलिए जा रहे हैं कि अपना टेंट कहाँ पे लगाए। बेसिकली यहाँ पे अभी तक किसने टेंट लगाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। टेंट सिर्फ नीचे तक ही अलाउड है, हम लोग ऊपर आ गए। देखते लोकेशन सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया हमें यहाँ के दर्शन कराने में। हर हर महादेव। हाइकिंग करके हमारी मांग स्पेसिया दया के लिए चिल्लाती है, हमारे पैर की उंगलियां जूते में रगड़ती है, हमारी सांस फूलती है। इन सब में कुछ अलग ही मजा है। जय भोले बाबा। महादेव के मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, अंधेरा हो चुका है। देखो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले। I think it's better to go from here because this is not the suitable place for the camping. इसीलिए गवर्नमेंट ने मना किया, and we should not break the rules because we are from the Uttarakhand and we should follow what government instructs. So यहाँ पर कैंप लगाना अच्छी बात नहीं है, हम लोग नीचे जाएंगे वहाँ पर कैंप लगाएंगे, कल अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे यहाँ पर सनराइज़ देखने के, that would be great. सिर्फ वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। घने जंगल, मिट्टी की सुगंध, पक्षियों की चहचहाहट, लंगूरों की आवाज़ और दूर घाटियों की नज़ारों से गुजरते हुए हम 8 किलोमीटर की ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब रात हो चुकी है, मन थोड़ा दुखी भी है कि इतना वेट करी करके यहाँ तक पहुँचे और वापस जा रहे हैं। जैसे हर एक जीवन में अंधेरे के बाद उजाला आता है, बस उसी होप में कल सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और खलिया टॉप 0 ये बुग्याल एक्सप्लोर कर देंगे। ब्रदर्स फॉर लाइफ, आई हैव गॉट अ प्लान, आई डोंट नो इफ यू लाइक और नो, सॉरी इफ यू डोंट लाइक, आई थिंक दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर कैंपिंग। हमारे पास हम एक जगह खाई है तो एक जगह दो जगह खाई है। हाँ सो so, उतरेंगे तो अंधेरा बहुत है, इसलिए कर लिया। नीचे उतरते हैं, नीचे उतरना पड़ेगा, उसकी वही वही 10 मिनट का रास्ता है। तो कैंप लगा था वहाँ पे, कैंप लगाते हैं, लोग भी है। कैंप लगाने में हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तो कौन कौन अरे उनका लगा लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, अरे उनको पैसे से ले लेंगे, कोई दिक्कत। हाँ तो सुनो, सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल गो बैक डाउन। आई नो थोड़ा हम लोगों ने टफ कर दिया, लकड़ी यहाँ बहुत तेज हवा है और कैंपिंग का मजा यहाँ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग मजा नहीं पाएंगे। ये थोड़ा स्केरी प्लेस है,
ऊपर भोलेनाथ का मंदिर भी है। ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है उधर तो। और जितना तो ऊपर जाएगा ना उधर साइड गए दूर जाएगा तब जाके है। मुझे चलना है अभी, चाय है अभी, उजाला है, चल ले नीचे। उजाला है अभी, चल लेते हैं ठीक है। और सुबह वहां से अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे अंधेरे में। वैसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पहाड़ी में इस टाइप की जगह को धार बोलते हैं। कहते हैं रात में भूतों की टोली जाती है इन धारों से, इसीलिए पहाड़ों में धार साइड में कोई अपना घर नहीं लगाता था। वैसे अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हो और पूजा पाठ करते हो तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकते हो, लेकिन समझदारी से भी काम करना चाहिए। हमेशा पागलपन या जिद अच्छा नहीं लगता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।